माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए किफायती दरों पर आशियाने बनाए जाने का सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज के पौश इलाके लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 फ्लैट बनाए गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कभी आतंक का पर्याय रहे माफिया अतीक अहमद से जिन जमीनों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुक्त कराया था, उन जमीनों पर अब गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद आज प्रयागराज में 76 गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा होने जा रहा है। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए भगवा रंग से पेंट किए गए फ्लैट तैयार हो चुके हैं। बता दें कि माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैट्स को पाने के लिए लोगों के बीच होड़ मची थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण में इसके लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, जिसके बाद अब डूडा के माध्यम से इन आवेदनों की जांच कराई गई तो इसमें करीब 1600 लोग पात्र मिले हैं। बहरहाल इन 76 फ्लैट्स की लॉटरी स्टैनली रोड स्थित इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में निकाली गई। अब देखना ये होगा कि इन 1600 लोगों में से कौन से वो खुशकिस्मत 76 परिवार हैं जिनका खुद के घर में रहने का सपना इस लॉटरी के माध्यम से पूरा होगा। इंडिया पब्लिक खबर के लिए वेद मिश्रा की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।